Hello and very good evening to my all the students and my dear friends. I welcome you all at my channel. Today we are having with the quiz for the students of class 6 subject geography, SSC and lesson number 5, major domains of the earth. Let's get started. Question number 1, which continent lies in the given image of world map at question mark? This is the image of world map and here is a question mark and you have to select or tell that which continent is this. आपको इसमें से बताना है कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप. एंड द राइट आंसर इज नॉर्थ अमेरिका. क्वेश्चन नंबर 2, विच ओशियन इज सर्कुलर इन शेप? कौन सा ओशन ऐसा है जो शेप में सर्कुलर है, वृत्ताकार? अटलांटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक, ऑल ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन, विच इज आल्सो द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 3, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, वो माउंटेन रेंज का नाम बताना है जिसमें यूरोप एशिया से अलग हो जाता है. यहाँ पर कोई नहर या समुंदर नहीं है जो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे से अलग कर रहा है, यहाँ पर माउंटेन रेंज है. ऑप्शंस आर हिमालय, यूराल, द एंडीज, माउंट ऑफ दिल्ली. एंड द राइट आंसर इज द यूराल. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड तेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट? तेंजिंग और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई करते हैं या कब उन्होंने इसे फतेह पाया? ऑप्शंस आर 29th of May 1956, 29th of May 1957, 29th of May 1954, 29th May of 1953. Time starts now. And the right answer is 29th of May 1953. Question number 5, which line passed through Asia? It may be line or lines. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Equator, both A and C. And the right answer is both A and C. Tropic of Cancer and Equator, दोनों ही लाइनें ऐसी हैं जो एशिया में से गुजरती हैं. अगर आप बहुत माइन्यूटली देखें तो एशिया के बिल्कुल नीचे से इक्वेटर पास होती है. क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका डैश एंड डैश. इंडिया के अपने रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में, क्योंकि एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर आबादी बहुत कम है, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो रहने लायक अधिक सुटेबल नहीं है, तो इसीलिए वहां पर रिसर्च स्टेशन है सभी देशों के और इंडिया के भी अपने वहां पर रिसर्च स्टेशन है. उनका नाम द यूराल एंड द एंडीज, मैत्रेय, दक्षिण गंगोत्री, आर्टिगस एंड अशोका, ऑल ऑफ डी. एंड द राइट आंसर इज मैत्रेय एंड दक्षिणी गंगोत्री. क्वेश्चन नंबर 7, नेम द मेजर गैस और गैसेज ऑफ एटमोस्फेयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड सी. And my dear students, right answer is both A and B. Nitrogen and oxygen, both are the major gases of atmosphere. Nitrogen has 78% share and oxygen has the 21%. Total 99% share is of both these gases. Question number 8. What is the shape of Indian Ocean? Rectangular, square, triangular or rhombus? इंडियन ओशन की शेप कैसी है वो आपको बताना है. एंड द राइट आंसर इज ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय शेप में है इंडियन ओशन की शेप. विच लेयर ऑफ गैस कम्स इन मिडल? एटमोस्फेयर के ऊपर हमारी गैसेस की लेयर्स हैं, एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, इनमें से मिडल में कौन सी आती है बिल्कुल बीच में वो आपको बताना है. And the right answer is mesosphere. See the picture. Troposphere
सबसे नीचे, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, देन मीसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर एंड इन द लास्ट वेयर इज एक्सोस्फीयर। लास्ट क्वेश्चन इज दैट डैश इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। नैरो जोन जहां पर कॉन्टेक्ट होता है लैंड, वाटर और एयर का, उसे क्या कहा जाता है? एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। एंड द राइट आंसर इज बायोस्फीयर। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द टेस्ट। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।